everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you all are fit and fine. Guys, last chapter में हमने contraction of demand and extension of demand cover किया था और साथ ही साथ increase in demand और decrease in demand भी cover किया था. आज हम करेंगे difference between contraction of demand and decrease in demand. अब देखो, मांग का संकुचन क्या है, मांग में कमी क्या है, इसमें छोटा सा डिफरेंस है. ये हमने पहले भी पढ़ लिया था. क्वेश्चन के फॉर्म में आपका डिफरेंस के फॉर्म में आ सकता है ये, अगर इसका क्वेश्चन भी बनता है तो सबसे पहले हमें पता इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस तरह से होता है. तो हमने पहले भी बात की थी कि जब वस्तु की अपने कीमत में चेंजेस आते हैं तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है. अब देखो, चेंजेस आ रहे हैं कीमत में, तो कीमत में जब परिवर्तन आता है और कीमत बढ़ जाती है, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है, तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है. मीन्स वस्तु की कीमत बढ़ेगी ना, तो लोग उस चीज़ को कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो मांग का संकुचन माना जाएगा. और ये जो संकुचन है, इसको दिखाने के लिए हम कह सकते हैं जो हमारा मांग वक्र है वो बी से, यानी कि पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है बी, उससे हम ऊपर वाले पॉइंट में चले जाते हैं. यानी कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो पहले हम कहाँ पर थे, इस बिंदु पर थे, यानी कि जब प्राइस एक था तो हम 5 खरीदते थे. अब अचानक से प्राइजेस बढ़ गए हैं, प्राइस एक से बढ़कर 5 हो गया है, तो अब हम क्वांटिटी कम खरीदना शुरू करते थे, यानी कि अब हम एक ही चीज़ खरीदते हैं. तो इस पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर जाना, यानी कि ये जो एरो का साइन है, ये क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बता रहा है. अब इसी तरह से मांग में कमी क्या होती है, तो क्योंकि मांग का संकुचन हमने पढ़ा कि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होता है, लेकिन जो मांग में कमी है ना, वो वस्तु की अपनी कीमत में चेंज नहीं आना चाहिए, अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में चेंज होना चाहिए. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है उपभोक्ता की आय में चेंज आ जाए, राइट, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में चेंज आ जाए, पूरक वस्तुओं की कीमतों में चेंज आ जाए. तो मांग में कमी कब होगी, जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है. मीन्स उपभोक्ता की आय कम होती है तो वो कम मांग करेगा. ऐसे ही प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में कमी, पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, या फिर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की वस्तु के लिए रुचि में कमी आ जाती है, यानी कि उपभोक्ता की जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसकी रुचियां कम हो जाती हैं, तो अभी मांग में कमी आ जाएगी. अब यहाँ पर इस चित्र को देखेंगे, यानी कि जो डिमांड वक्र D1 होगा वो बाईं ओर खिसक कर D2 हो जाता है. तो हम चित्र नंबर 8 पे चलते हैं. यहाँ पर देखो, ये हमारा प्राइस गिवन है, ये क्वांटिटी. सबसे पहले क्या हमें देखना है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो वस्तु की अपनी कीमत नहीं बदलेगी, यानी कि वस्तु की कीमत तो 10 ही है. पहले 10 कीमत थी तो 30 यूनिट खरीदी जाती थी, यानी कि हम पॉइंट ए पर होते थे. अचानक से क्या हुआ, हो सकता है उपभोक्ता की आय कम हो गई हो सकता है प्रतिस्थापन वस्तु की आय की कीमतें कम हो गई हों, जिसके कारण जो है पहले से कम डिमांड होने लग गई है. यानी कि पहले 30 यूनिट की डिमांड होती थी, अब 20 यूनिट की हो गई है. तो जब हम पहले D1 पर थे, अब हम D2 पर शिफ्ट हो गए, यानी कि ये जो डिमांड कर्व है, पहले 30 यूनिट्स खरीदी जाती थी, अब 20 यूनिट. तो A से B की ओर शिफ्ट होना, ये हमें क्या दिखाता है, डिक्रीज इन डिमांड दिखाता है. तो अब बात करेंगे मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि, इनमें क्या डिफरेंस होता है. अब जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, ये किस कारण होता है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब विस्तार कब होगा, जब वस्तु की अपनी कीमत में कमी आ जाएगी, यानी कि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी ना, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे. इसी तरह से इसका चित्र हमें दिखाया गया है, ये देखिए एक्सटेंशन कब होगा. यहाँ पर देखो, पहले हमारी प्राइस 5 थी ना, तो हम एक ही यूनिट खरीदते थे, अचानक से प्राइजेस हमारी कम होकर 1 हो जाती है, तो अब हम उसकी ज़्यादा चीज़ें यूनिट खरीदना शुरू कर देते हैं, यानी कि 5 खरीदना शुरू करते हैं. पहले पॉइंट ए पर थे, अब पॉइंट बी पर है, यानी कि ए से बी की ओर मूवमेंट, ये हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाएगा. अब मांग में वृद्धि कैसे होती है, ये भी सेम है जैसे मांग में कमी थी,
यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में चेंज नहीं आता, उसके अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होता है तो मांग में वृद्धि होती है। अब वृद्धि कब होगी? जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो मांग बढ़ा देता है। ऐसे ही प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो भी मांग बढ़ जाती है, या फिर पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है तो भी मांग बढ़ जाती है, या फिर किसी उपभोक्ता की उस वस्तु में रुचि बढ़ जाती है पहले से तो भी उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी। तो मांग जब ज़्यादा होगी जो तो हमारा डिमांड कर्व होगा वो हमारा दाईं ओर सरक जाएगा, यानी कि फिगर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिगर नंबर 7 में क्या बताया है, ओ के ओके ऊपर हमारी क्वांटिटी है, ओ वाई के ऊपर हमने प्राइजेस लिए हैं। यहाँ पर पहला डिमांड कर्व हमारा D1 है, यानी कि वस्तु की प्राइस जब 10 थी तो हम 20 क्वांटिटी खरीदते थे। अभी भी वस्तु की प्राइस 10 है, लेकिन अन्य निर्धारक तत्वों में चेंजेस आने से डिमांड हम पहले से ज़्यादा यानी कि 20 से 30 करने लग गए, तो ए से बी की ओर जो हमने शिफ्ट किया है ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड को शो करता है। अब बात करेंगे मांग वक्र में खिसकाव या स्थानांतरण का रेखा चित्रीय वर्णन, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे हम कि किस तरह से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है। अब हमें पता है यदि किसी भी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, मीन्स वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन उससे संबंधित कीमतें हैं, उससे संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या फिर पूरक वस्तुएं हैं या फिर उपभोक्ता की आय है या रुचियां हैं, उनमें चेंजेस आते हैं तो हमारा जो मांग कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य चीजों में परिवर्तन आने से जब डिमांड कर्व खिसक जाता है, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो इसको ही हम खिसकाव बोल देते हैं। और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, या इसको हम तिरछा कीमत प्रभाव भी बोल सकते हैं। मीन संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को तिरछा कीमत प्रभाव बोलते हैं। अब संबंधित वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं, वो प्रतिस्थापन वस्तु भी हो सकती है, वो पूरक वस्तु भी हो सकती है। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को इकट्ठा जिसको हम यूज करते हैं, जैसे ब्रेड और बटर है, ये हमारी क्या होगी, पूरक वस्तुएं होंगी। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जाती है, जैसे चाय या कॉफी है, मतलब चाय बढ़ जाती है तो हम कॉफी का यूज करना शुरू कर देते हैं अगर चाय की कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं तो इसी तरह से जो हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं हैं उनके, ये आपस में जो संबंधित वस्तुएं हैं इनकी कीमतों में चेंजेस आने से ना दूसरी वस्तु की मांग पर असर पड़ता है, इसी को ही हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोल देते हैं। वन बाय वन इसको कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन या प्रतिस्थापन वस्तु एक ही बात होती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्थानापन वस्तुओं की कीमतों के संबंध में एक वस्तु की मांग, यानी कि यहाँ प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु पता है ना, जैसे चाय और कॉफी, कोक और फ्रूटी लगा लो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं आया है परंतु उसकी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी कीमत में चेंज आ जाता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो दाईं ओर चला जाएगा या फिर बाईं ओर चला जाएगा। अब दाईं ओर कब जाएगा, बाईं ओर कब जाएगा ये देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड लिए हमने चाय और कॉफी, ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, स्थानापन वस्तुएं हैं, राइट। अचानक से क्या होता है कि चाय की कीमत तो स्थिर ही रहती है लेकिन जो कॉफी है ना उसकी कीमत में चेंजेस आ जाते हैं, या तो वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो जब चाय की कीमत स्थिर है लेकिन उसकी स्थानापन वस्तु की कीमत में चेंज आ रहा है तो उससे चाय का जो वक्र है, चाय का जो डिमांड वक्र है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, या तो वो दाईं ओर चला जाएगा या फिर वो बाईं ओर चला जाएगा। अब देखो कीमतों में वृद्धि होने से क्या होता है, क्योंकि चेंजेस की बात की ना, स्थानापन वस्तुओं की कीमतों में चेंजेस आ सकता है। अब चेंज यानी कि या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। अब बात करेंगे अगर वृद्धि हो जाए, यानी कि जो स्थानापन वस्तुएं हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा,
तो जहाँ जैसे हमने किया था कि चाय की जो कीमत है, ठीक है, यहाँ पर चाय की कीमत आपने ओपी मान ले रखी, यानी कि इतनी कीमत है, तब उसकी मांग हम पहले कितनी करते थे, OT1 करते थे, राइट। अब क्या हुआ, चाय की कीमत तो उतनी ही रही, लेकिन जो इसके पैरेलल इसकी प्रतिस्थापन वस्तु कॉफी थी, उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है। अब कॉफी की कीमत बढ़ गई तो लोग कॉफी को कम खरीदेंगे, और अगर वो कॉफी को कम खरीदेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि चाय को वो ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक उपभोक्ता के नाते क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, कोई भी विवेकशील उपभोक्ता है वो क्या करेगा, वो अगर कॉफी महंगी हो गई है तो कॉफी की जगह वो चाय पर आ जाएगा, है ना, चाय का प्रतिस्थापन कर लेगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं चाय की सिमिलर प्राइजेस पर भी पहले से ज्यादा मांग हो जाएगी, यानी कि पहले OT1 क्वांटिटी खरीदी जाती थी जबकि चाय की कीमत OP1 ही थी, उसके बाद चाय की कीमत OP1 ही है लेकिन अब क्वांटिटी OT1 से बढ़कर OT2 हो गई है, मीन्स हम K1 से K2 पर शिफ्ट हो गए हैं। किस कारण शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि जो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके कारण जो हमारा डिमांड कर्व है वस्तु का वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब इसका दूसरा केस ले लेते हैं, यानी कि अगर प्राइस कम हो जाती है सब्स्टिट्यूट की, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब देखिए, जब कॉफी की कीमत कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो कॉफी सस्ती हो जाएगी। अब क्या होगा, चाय पहले से महंगी लगने लगी क्योंकि कीमतें तो कॉफी की डाउन आ गई हैं, तो जो लोग पहले चाय पी रहे होते थे वो भी अब कॉफी की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे, कॉफी के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि कॉफी का प्रतिस्थापन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, यानी कि जब हमारी OP1 प्राइस थी तो चाय हमारी कितनी खरीदी जाती थी, K1 पॉइंट पर थी, ये D1 हमारा चाय का था, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हो की कीमतें कम हो गई हैं, तो लोग उसकी तरफ भागेंगे क्योंकि चाय उसके एवेज में ज्यादा सस्ती हो गई है, तो लोग जो टी है उसको कम खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वांटिटी हमारी T1 से कम होकर T2 हो जाएगी, यानी कि K1 से हमारा शिफ्ट हो जाएगा K2 की तरफ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतें गिर जाती हैं तो हमारा या जो D1 है ये शिफ्ट होकर इधर D2 की ओर चला जाता है, बाईं ओर सरक जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सबको ये टर्म क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।